अमित शाह के बेटे ने क्या किया था? कुछ नहीं किया, बैट पकड़ना ढंग से नहीं आता, ऐसे पकड़ता बैट उल्टा करता। अच्छा, एक शॉट नहीं लग पाने का, उससे छक्का नहीं लग पाने का, गारंटी दे रहा हूँ मेरी बॉल पे। अच्छा, चैलेंज। क्रिकेट खेलते हैं आप? मैं खेलता नहीं हूँ, लेकिन मैं चैलेंज है। लेकिन जब मैं राहुल जी से मिला तो उन्होंने अजीबोगरीब तरीके से तो मुझे देखा, मुस्कुराए, सोचा और पूछा, रहे भाई कहाँ से हो तुम? अच्छा, तो इस तरीके से पूछना उनका एक अचानक से, मतलब चौंक गए, अचानक से चौंक गए वो मुझे देख के। हमारे नेता में इतना दम है कि हम टी शर्ट में चले, हमें हमारे नेता में इतना दम है। मोदी जी को, अमित शाह जी को देख लीजिए, चार चार जोड़ी सूट पूट पहनते हैं, उनका जाड़ा तब भी नहीं रुकता, तब भी उन्हें सर्दी लगती रहती है, चाइना उन्हें हर टाइम डराता रहता है। मंत्री हैं उत्तराखंड के, हैं वो हरीश रावत। अच्छा 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 जी। तो वो कुर्सी पे बैठे थे एक दिन रोड के साइड में, उनके पीछे 5-7 आदमी खड़े थे, मैं रोड से चल रहा था, मेरे पीछे 25-30 आदमी चल रहे थे। अच्छा, वो उठ के आए और मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अच्छा, हरीश रावत जी। जी जी, आए और मेरे सामने हाथ जोड़ खड़े हो गए और फिर मेरे चेहरे को देख रहे ध्यान से। हाँ यार, मैं ये सोच रहा राहुल जी की सिक्योरिटी कहाँ गई आज। अच्छा, फिर आपने बताया उन्हें? मैंने बताया, सर मुझे माफ कीजिए। तो कह रहे यार तुम भी क्या अजीब आदमी हो। राहुल जी का चेहरा लेकर उतर गए। अच्छा दोस्तों, आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त जो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो हैं फैसल चौधरी। शायद आप इन्हें पहले भी जानते होंगे, राहुल गांधी का हमशक्ल भी बोला जाता है और भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो आज फैसल भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत वेलकम है। फैसल भाई, पहले यही सवाल करूँगा कि कांग्रेस से कब से जुड़े हुए, या भारत जोड़ो यात्रा देख कर कुछ मन में आया कि इससे पार्टी से जुड़ते हैं? नहीं, देखिए मैं कांग्रेस पार्टी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पिताजी दादाजी सब कांग्रेस रहे हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो तकरीबन 3.5-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोग बोलते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को देखकर तुम प्रेरित हुए हो, या इसे देखकर तुम कांग्रेस में शामिल हुए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले से कांग्रेसी हूँ और एक कांग्रेस अच्छा कार्यकर्ता हूँ, और पहले से मेरे पास पद भी रहा है, लेकिन मैं उस पर कुछ दिन काम करके मैंने उसे छोड़ दिया था जी। तो फैसल भाई, भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हो गई पर आपकी टी शर्ट अभी गई नहीं है, इसका मतलब ये टी शर्ट से कुछ लगता है कि इससे पहचान मिली या इससे लोगों को मेरे बारे में जानकारी मिली? तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि टी शर्ट आज के टाइम में एक मुद्दा बन चुका है जी, लेकिन मुद्दा होना नहीं चाहिए जी। मुद्दा होना चाहिए किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगारों का, ये सब मुद्दे होने चाहिए। लेकिन जो लोग टी शर्ट को मुद्दा बनाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि उनके पास कुछ और काम नहीं है तो उन्होंने टी शर्ट का मुद्दा बना दिया है जी। लेकिन टी शर्ट का मुद्दा बनता क्योंकि कोई ठंड में, इतनी ठंड में जहाँ बोर भी बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, सब जैकेट, दो दो डबल डबल जैकेट, लेकिन राहुल गांधी थे या फिर आपते रैली में जो टी शर्ट में चल रहे थे, ये सब माइंड सेट होता है। अगर हमने अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि सर्दी है जी, तो कपड़े चार पहनोगे तब भी सर्दी लगेगी। अपने माइंड में हमने ये सोच लिया कि सर्दी नहीं है, तो एक बनियान पहन लोगे ना, जो इनर बोलते हैं जी जी, वो पहन लोगे तब भी नहीं लगेगी। लेकिन बहुत सारे पोस्ट भी ऐसे वायरल हुए कि राहुल गांधी अंदर इनर पहन रहे हैं या कुछ, वो उसके बारे में आपने भी देखे क्या ऐसे पोस्ट तरफ से, कई कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाले गए? भाजपा का काम है दूसरे में कमी निकालना, अपनी कमियों को कभी नहीं देखते जी। हमारे नेता में इतना दम है कि हम टी शर्ट में चले, हमें हमारे नेता में इतना दम है। मोदी जी को, अमित शाह जी को देख लीजिए, चार चार जोड़ी सूट पूट पहनते हैं, उनका जाड़ा तब भी नहीं रुकता, तब भी उन्हें सर्दी लगती रहती है, चाइना उन्हें हर टाइम डराता रहता है। अच्छा, तो कांग्रेस नहीं डरती चाइना से? कांग्रेस कब डरी है? चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया कांग्रेस ने, और आज के टाइम में चाइना ने हमारी भूमि के अंदर अपना एक गाँव बसा चुके हैं, अपनी एक दीवार खड़ी कर दी है उन्होंने। ये समझ लीजिए, जब वो भारत के अंदर अपना एक गाँव बसा सकते हैं तो आने वाले टाइम में वो हमला भी कर सकते हैं। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि कांग्रेस को जनता ने जवाब दिया है, कांग्रेस को जनता ख़त्म करती जा रही है जगह जगह से, और कांग्रेस के खुद के नेता नहीं रुक पा रहे हैं कांग्रेस में। देखिए, अगर किसी बंदे से बोला जाए कि जिंदगी चाहता है या पार्टी बदलना चाहता है, अच्छा, तो बेचारा जिंदगी की चाहेगा, जाहिर सी बात है। मतलब धमकाया जा रहा है नेताओं, धमकाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। अब जो लोग, जो नेता डर जाते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं, जो नहीं डरते शेर की तरह
खड़े रहते हैं वो कांग्रेस में रहते हैं। अब बात करते हैं आपके सफर की। जब स्टार्टिंग में आप नोटिस हुए तो आपने कहा था कि मेरा सपना है राहुल गांधी से मिलना। जी, जब आपका सपना कैसा पूरा हुआ तो तब कैसी फीलिंग थी आपको? देखिए, राहुल जी से मिलना मेरा सपना था और मेरा सपना पूरा हो चुका है जी। और राहुल जी से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और राहुल जी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, मुझे उससे बहुत खुशी मिली है, बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब आपके राहुल जी से बात हुई आपको पहले ही महसूस हो चुका था कि इन्होंने मतलब इनके मेरे बारे में इन्हें पहले ही पता चल चुका है, या जब आपको देखा वो चौंक गए कि बिल्कुल हम सकल मेरे जैसा लड़का मेरे सामने खड़ा है? देखिए, राहुल जी को शायद पहले से मालूम ना हो जी, लेकिन जब मैं राहुल जी से मिला तो उन्होंने अजीबोगरीब तरीके से तो मुझे देखा, मुस्कुराए, सोचा और पूछा, रहे भाई कहाँ से हो तुम? तो इस तरीके से पूछना उनका एक अचानक से मतलब चौंक गए, अचानक से चौंक गए वो मुझे देख के जी। तो उन्हें पहले से नहीं पता था। अच्छा, तो क्या बात हुई राहुल जी से? और राहुल जी से ये बात हुई, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्होंने जानकारी ली मुझसे और बोला है कि यात्रा के बाद अब दिल्ली आना, वहाँ बैठ के बात करेंगे। अच्छा, आपने क्या बात, आपने कोई सवाल किया राहुल गांधी से या बस मिलकर आप खुश बस पूरा हो गए? देखिए, जो सवाल होते हैं और हमने उनसे सवाल किए जी, वो सार्वजनिक नहीं कर सकते हम। अच्छा, वो हमारे पर्सनल सवाल हैं, पर्सनल ही रहेंगे। अच्छा जी जी, चलो फिर। कैसा रहा भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस? आपने लास्ट तक, आप दिल्ली से जुड़े, उत्तर प्रदेश से जुड़ गए थे, फिर लास्ट तक जम्मू तक रहे, क्या क्या मतलब क्या मैसेज मिला वहाँ से? देखिए, इस यात्रा को लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन यात्रा नहीं रुक पाई जी। और राहुल जी जो मैसेज लेकर निकले थे भारत को जोड़ने के लिए जी, वो मैसेज उनका पूरा हो चुका है जी। इस देश में कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने नफरत की इतनी बड़ी राजनीति खेली है कि लोगों को आपस में, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, सिख को ईसाई से, ईसाई को सिख से आपस में लड़ाया है, कटवाया है। और तो और, इन लोगों ने जो सैनिक होते हैं, बीएसएफ वाले होते हैं, इन्हें भी नहीं बख्शा, इन्हें भी मरवाने का काम किया है। अच्छा, तो आम जनता क्या चीज़ है इनके सामने? राहुल जी उसी मैसेज को लेकर निकले थे कि ये जो आजकल की नफरत है, नफरत की राजनीति, ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, और लोगों का इसका, इस यात्रा का इतना प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, बहुत लोगों ने यात्रा को ऐसा सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है कि हम उसे जाहिर नहीं कर सकते कितना सम्मान, कितना प्यार दिया है। वो सब वीडियो के जरिए से आप देख सकते हो कि राहुल जी के पीछे कितने लोग मिलने के लिए आ रहे थे, कितनी लोगों की, लाखों के तादाद में वहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी। अभी सोशल मीडिया पर एक बयान चल रहा था जैसे भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई कि जहाँ जहाँ से राहुल गांधी निकलते थे तब तो लोग जोड़ते थे, लेकिन जैसे भी वहाँ से निकलते थे कांग्रेस के नेता फिर भी खड़ जाते थे, फिर दूसरी पार्टियों में भाग जाते। तो मतलब जो वहाँ से वो निकले वहीं असर नहीं हुआ, आप कह रहे हैं पूरे भारत में असर हुआ? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ जी, ये बीजेपी वाले ऐसी अफवाह फैलाते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि जब मोदी जी पंजाब के अंदर जाते हैं जी, और उन्हें पता लगता है कि पहले से कि कुर्सी खाली पड़ी हुई है, अच्छा, तो बोल देते हैं कि मेरी जान को खतरा है और वहाँ से वापस आ जाते हैं। अच्छा, हुआ था ऐसा? नहीं हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है, राहुल जी एक शेर हैं। अच्छा, शेर की तरह एक जिगर रखते हैं वो अपने अंदर जी। और उसी पंजाब के अंदर से राहुल जी गए जी, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब तुम किसानों से डर रहे हो, जिनसे, जिन लोगों से वे बोल रहे थे कि उनसे, उन लोगों से मुझे खतरा है, उनके हाथों में भाजपा के झंडे थे। अच्छा, और वो उन्हीं लोगों से डर रहे हैं? तो मोदी जी का ये ड्रामा बहुत दिन चल चुका है, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा और इसका जवाब जल्दी मिलने वाला है, जल्दी 2024 में बिल्कुल मिलेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे 2019 में जवाब नहीं मिल पाया, फिर अभी कई राज्यों में चुनाव, वहाँ भी कुछ खास कांग्रेस नहीं कर पाई? आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, मेहनत तो पूरी करेंगे। अच्छा, जवाब देने के लिए। अच्छा, और जनता भी इस बात की पूरी, इस टाइम जनता भी, हम देखते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं तो हम अपना फेक को कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं बताते। अच्छा, शुरुआत में आम आदमी जाहिर करते हैं हम आपको जी, तो हम उनकी बातें सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, सिलेंडर महंगा हो चुका है। अच्छा, दाल सब्जी महंगी हो चुकी है, तेल महंगा हो चुका है, और तो और किसानों को दबक्सा नहीं, किसानों के ऊपर 18% की GST और लगा दी दवाई के रूप में। अच्छा, सबसे बुरी हालत किसानों की और मज़दूरों की इस टाइम पर। किसान, मैं खुद एक किसान हूँ, मुझे पता है किसानों की स्थिति क्या होती है।
किसान पूरे साल मेहनत करता है लेकिन जब अपनी फसल को मंडी लेकर पहुंचता है तो उसे वो कीमत हाथ नहीं आ पाती जो उसे होनी चाहिए। अच्छा, तो किसानों की हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल बेकार हो चुके हैं किसान। किसानों के बच्चे आर्मी में जाते हैं, किसानों के बच्चे BSF में जाते हैं, किसानों के बच्चे आगे की तैयारी का आगे करते हैं, इनके बच्चे क्या करते हैं जो बड़े वाले होते हैं, किसी को IPL का इंचार्ज बना दिया, अच्छा किसी को ये कर दिया, बोलते कि राजनीति करते हैं ये परिवारवाद की। लेकिन परिवारवाद तो हम हिस्सा खेल रहे हैं कांग्रेस में, परिवारवाद नहीं, परिवारवाद नहीं है, यह मेहनतवाद है। अच्छा, सबके सब राहुल जी को देखिए, किसी ने इतनी लंबी पदयात्रा निकाली आज तक? अच्छा। जो राहुल जी ने निकाली लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा, क्या किसी ने की इतनी मेहनत आज तक? अमित शाह के बेटे ने क्या किया था? कुछ नहीं किया, बैट पकड़ना ढंग से नहीं आता ऐसे पकड़ता, बैट उल्टा करता। अच्छा, एक शॉट नहीं लग पाने का, उससे छक्का नहीं लग पाने का गारंटी दे रहा हूँ मेरी बॉल पे। अच्छा, चैलेंज। क्रिकेट खेलते हैं आप? मैं खेलता नहीं हूँ लेकिन मैं चैलेंज है, मतलब बिना आपकी बेकार बॉल से पे भी वो छक्का नहीं मार, नहीं मार सकते, क्योंकि मैं खेलता ही नहीं हूँ, मैंने आज तक खेला ही नहीं, मुझे पता है कि सामने वाले की कुछ वैल्यू नहीं है। नहीं, आपको कैसे पता है? वो BCCI के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी भले सी हो, सेक्रेटरी एक कागजों के रूप में है, टैलेंट से नहीं है वो। अच्छा, वो पावर के हिसाब से सेक्रेटरी बने हैं वो, अपने टैलेंट के हिसाब से नहीं बने। गौतम को क्यों निकाल दिया बाहर? क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी, टैलेंट तो था लेकिन पावर नहीं थी। पावर अमित शाह जी, जो अमित शाह जी हैं हमारे गृहमंत्री हैं, उनके पास पावर थी, उन्होंने अपने बेटे को लगा दिया। अच्छा, चलो वापस भारत जोड़ो यात्रा पर लौटते हैं। आपने सफ़र किया बहुत लंबा राहुल गांधी के साथ और जो और कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए थे, तो कितनी कन्फ्यूजन हुई लोगों को आपको राहुल गांधी को पहचानने में, कुछ उसके बारे में कुछ कोई किस्सा आपका? देखिए, कन्फ्यूजन तो लोगों के बीच में बहुत हुई है जी, लेकिन मैं उनसे बता देता था, जैसे वो कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे, कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाते थे, कुछ लोग रोने लगते थे, मगर भाई मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, ओरिजिनल पीछे आ रहे हैं, मैं उनको हमशक्ल हूँ, बताता था मैं उनसे। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के हैं वो, हरीश रावत। अच्छा 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 जी। तो वो कुर्सी पे बैठे थे एक दिन रोड के साइड में, उनके पीछे 5-7 आदमी खड़े थे, मैं रोड से चल रहा था, मेरे पीछे 25-30 आदमी चल रहे थे। अच्छा, वो उठ के आए और मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए जी। अच्छा, हरीश रावत जी। जी जी, आए और मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और फिर मेरे चेहरे को देख रहे ध्यान से। हाँ यार, मैं ये सोच रहा राहुल जी की सिक्योरिटी कहाँ गई आज। अच्छा, फिर आपने बताया उन्हें? मैंने बताया सर मुझे माफ़ कीजिए। तो कह रहे यार तुम भी क्या अजीब आदमी हो। राहुल जी का चेहरा लेकर उतर गए। अच्छा, मगर सर ये मैं क्या बताऊँ, ये तो ऊपर वाला जाने। ऐसे तो अगर किससे, अगर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हो सकता है, आम जनता के साथ तो कई दफ़ा हुआ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार। किसी ने आपको अपने दुखड़े भी सुनाए जैसे नेता को सुनाते हैं? बहुत सुनाए। अच्छा, बहुत सुनाए। एक लेडी ने तो बेचारे ने अपने सारे घर की सिचुएशन मुझे बता दी थी। अच्छा, सारी की सारी। मैं उसे बहुत बार रोकने की कोशिश की कि आंटी जी मैं नहीं हूँ। अच्छा, वो मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी 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 सुनाओ जा रही। मैं कहा चलो सुनाते रहो, खैर पहले तुम खत्म करो। हाँ, जब सारी बात पूरी होगी, मैं कहा ठीक है जी, होगा अनु। हाँ, मैं कहा पीछे जाओ। अच्छा, असली वाले जो मेरे पीछे बंदे चल रहे थे वो बोले ओरिजिनल पीछे हैं ये, हम सकल हैं। इतना सुन के अपने माथे में हाथ मार रही, यार मैं क्या कर दिया ये, मैंने सारी बात बता दी अपनी। मगर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई बात लीक नहीं है, आप ओरिजिनल से मिल लो, सारी बात बता दो उन्हें। कोई कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लोग आपको असली समझ के जैसे दुगड़े तो डांट भी देते, अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम तो। किसी ने डांटा तो नहीं आपको? नहीं, आज तक किसी ने नहीं डांटा। अच्छा, लोगों का हमें प्यार सम्मान के अलावा और कुछ नहीं मिला। अच्छा, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। कुछ लोगों को ये पता भी था कि मैं हमशक्ल हूँ, उसके बावजूद मुझे बहुत अच्छा सम्मान देते थे। अच्छा, माला वगैरह डालते थे गले में, फूल बरसाते थे हमारे ऊपर और कुछ गिफ्ट भी करते थे। वो हम गिफ्ट उनसे लेकर उन्हें देते थे कि ये लीजिए, ये हमारी तरफ से आपके लिए। जो कुछ हमें ज़बरदस्ती देते थे कि आप ही रखो। अच्छा, हम आगे जाके और लोगों को देते थे, लो जी ये आपके लिए गिफ्ट है। जैसे आप यात्रा में चल रहे थे, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज आ रहे थे, बहुत सारी वीडियोज वायरल हो रही थी, लाखों में लोग आपको देख रहे थे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? या घर से भी आपके साथ, आपके परिवार से भी कोई यात्रा में था या सब घर पर ही थे? देखिए जी, मेरे परिवार से तो यात्रा में कोई नहीं था जी, लेकिन अगर बात करें दिल की तो सारा परिवार ही मेरे साथ था। अच्छा, रिएक्शन क्या था परिवार वालों का? परिवार वालों का रिएक्शन भी अच्छा था, रिश्तेदारों का, गाँव वालों का, तमाम अड़ोस पड़ोस के क्षेत्र वालों का अच्छा रिएक्शन था। सभी सम्मान दे रहे थे, सभी प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई किसी भी राजनीति का सही जी,
मुझे आज तक किसी ने कोई उल्टा नहीं बोला, किसी ने कोई मुझे मेरे साथ भेदभाव नहीं किया, सभी सम्मान देते, सभी प्यार देते मुझे। जैसे गांव में आए आप लौट कर यात्रा से, लोगों ने कैसे ट्रीट किया? मतलब गांव में यात्रा से जब मैं लौट के आया, मैं परसों ही लौट के आया हूँ जी जी, तो लोगों ने फूल मालाएं पहना के मुझे स्वागत किया। अच्छा। बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया, बहुत सम्मान दिया। और कांग्रेस पार्टी को लेकर आगे क्या विजन है आपका? देखिए वो विजन बहुत बड़ा है, मैं यहाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस बात को। जी मतलब बहुत कुछ सोच रखा है। बहुत कुछ सोच रखा है लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं उसे। अच्छा। तो अब अगर आपसे बात करें भारत जोड़ो यात्रा, क्या 2024 के चुनाव के लिए, तो जैसे बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई ये चुनाव के लिए यात्रा कर रहे हैं, 2024 का चुनाव आना है, राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, तो क्या ये उसी के लिए यात्रा थी? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, ये यात्रा ना ही तो किसी चुनाव के लिए थी, ना ही किसी सीट के लिए थी, ना ही किसी वोट के लिए थी। ये यात्रा थी एक नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, उसकी लोगों के अंदर जागरूकता दिखाने के लिए कि तुम्हारे अंदर जो नफरत फैला रहे हैं वो कुछ लोग हैं, ना कि तुम आपस में। हम इतने लंबे क्षेत्र में घूमे हैं, हमें आज तक कहीं कोई नफरत दिखाई नहीं दी। नफरत कहाँ दिखाई देती है? किसी टीवी चैनलों पर, जो बड़े बड़े टीवी चैनल होते हैं इन्हें जब भी तुम खोलोगे तो यही मिलेगा कि उसने फला को हिंदू ने मुस्लिम को काट दिया, मुस्लिम ने हिंदू को काट दिया, वहाँ पे इतने मर गए, वहाँ पे इतने जाग गए। लेकिन सोशल मीडिया भी चलाते हैं भारत जोड़ो यात्रा का, लगता नहीं कुछ असर हुआ? क्योंकि कई नेता है जो वही अपने वही बयानबाजी कर रहे हैं उल्टी सीधी, किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर। वो नेता क्यों बदलेंगे? अच्छा। हमने नेता को नहीं बदलना। अच्छा। हमें बदलना है जनता को। अच्छा, जनता बदल गई। हमने जनता को बदलना है कि जनता, हम उनसे लोगों से बोलते हैं कि आप वो जो बैठे हैं जी, उनके बहकावे में मत आओ। अच्छा। धर्म के ऊपर राजनीति मत करवाओ, धर्म के ऊपर वोट मत दो, वोट देने हैं अपने हिसाब से दो कि तुम्हारे लिए काम कौन करता है उसको वोट दो। अब भारत जोड़ो यात्रा में और किस किस बड़े नेता से मिले कांग्रेस पार्टी के? लगभग मैं सभी से मिला हूँ। अच्छा। मैं दिग्विजय सिंह से भी मिला हूँ और जी जो वो हैं सलमान खुर्शीद जी हैं उनसे भी मिला हूँ और जयराम रमेश जी से भी मिला हूँ और एक हमारे दोस्त बने हैं जो केरला के सीएम के बेटे हैं, वो नंगे पैर चले थे। अच्छा। पूरी यात्रा में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक नंगे पैर चले थे वो। अच्छा। दो बार के सीएम के बेटे हैं। आज के टाइम में किसी के पास कुछ पैसे हो जाए ना जी जी, तो वो बंदा एटीट्यूड में जाता है, लेकिन मैंने उस बंदे के अंदर देखा है कि वो बिल्कुल एटीट्यूड से अलग है, बंदे के अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं। हालांकि उनकी हमारी बहुत जमी, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती और गहरी दोस्ती होगी हमारे बीच में उनकी और काफ़ी लोगों से मिला हूँ, नाम नहीं गिना सकता, बहुत लंबी लिस्ट होगी। आखिरी सवाल करता हूँ आपसे, राहुल गांधी हैं, अगर वो अपना लुक चेंज करते हैं, अब दाढ़ी वाड़ी जैसे सेव करते हैं क्योंकि उन्होंने यात्रा में दाढ़ी बढ़ाई जैसे कटाई नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप भी सेव कर लेंगे? देखिए दाढ़ी बढ़ाना ना बढ़ाना वो उनका हिसाब है, मेरा मेरे ऊपर हिसाब। अच्छा, आपका आपके ऊपर, आप मतलब उनके जैसा ना आप नहीं लगना चाहते? नहीं नहीं, और ये तो ऊपर वाले ने मुझे उनके जैसा चेहरा बनाया है। अच्छा। नहीं नहीं, वेशभूषा भी होती है ना, ये तो आपके हाथ में ना। देखिए वेशभूषा जो होती है वो टाइम टेबल के हिसाब से देखी जाती है कब क्या करना है। अच्छा। इस बात की कसम नहीं खाई जा सकती कि हम कटवाएंगे नहीं कटवाएंगे, वो टाइम टेबल देखा जाता है कि कब क्या करना है, वो अपने ऊपर बात होती है। तो ये थे हमारे साथ फैसल चौधरी, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं कैमरामैन जैद के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।